तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। दोस्तों हमेशा की तरह आज की टेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले करने वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करें सबसे पहले लावा की। दोस्तों लावा की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक लावा की सर्विस जो लावा अग्निफाइव लॉन्च हुआ है, जो लोग लावा अग्निफाइव भी खरीद रहे हैं, अगर उन लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो वो आपकी दिक्कतों सबसे पहले सॉल्व करेंगे लावा अग्निफाइव जी की। आपकी दिक्कत के लिए एक अलग मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो आपकी सारी क्वेरीज और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और साथ ही दोस्तों अगर टाइम नहीं जाने का सर्विस सेंटर, आपको फ़ोन कहीं भी ख़राब हो गया तो आपको फ्री पिकअप सर्विस भी देंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों एक ऐसे इंडिया में कोई यूज़र है जिन्होंने लावा अग्नि 5G लिया, उनके फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हुई, सर्विस सेंटर को कॉल किया वगैरह, तो वो ट्रेन में जा रहे थे। वो तो सर्विस सेंटर वालों मैनेजर वो उसने ट्रेन की टिकट बुक करी, ट्रेन के अंदर आया और ट्रेन में उनकी सीट के बराबर वाली सीट बुक करी जो कस्टमर थे और ट्रेन में उनकी क्वेरी सॉल्व करी। दोस्तों ऐसी सर्विस अगर हर कंपनी देने लगे तो क्या ही कहना है। दोस्तों इंडियन कंपनी है लावा अग्नि 5G है, हमारे अवार्ड में भी कुछ स्पेशल है इसके बारे में, अवार्ड वाली वीडियो आने वाली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से काम चल रहा है, अकेला हूँ यार, इतना काम अकेले नहीं कर पा रहा, एडिटिंग भी प्रीमियर प्रो तो है नहीं हमारे पास ना, हमें यूज़ करना आता है, काफ़ी मुश्किल है उसे यूज़ करना, तो है उस पर काम चल रहा है। काफ़ी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। हाँ डेट मैं आपको बता सकता हूँ, 20 दिसंबर को आपको देखने को मिल सकती है शायद, या 25 दिसंबर को, कंफर्म नहीं है। 20-25 में से कोई एक डेट हम चूज़ करेंगे। और बंद तो हो चुकी थी हमारी 5 या 6 दिसंबर को, हमारी वो पूरी वीडियो का काम पूरा हो गया था। उसके अंदर एक फ़ोन का चेंज हमने किया है अभी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर के बाद हमने फुल लिस्ट फाइनल कर दी थी अपनी, साइड में रखी होगी इधर कहीं, ढूंढ लेंगे हम, वरना कोई बात नहीं फ़ोन में तो ही। और दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़े जो कि आ रही है रियलमी। दोस्तों रियलमी 9 आए, उसकी लाइव फोटोज आ चुकी हैं, पहले फोटो लीक हुई थी ना कुछ वैसी फोटोज हैं। और इसके अंदर हमें सुनने वाला 5000 mAh की बैटरी और साथ ही साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, वही पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ इसकी प्राइसिंग इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर इस फ़ोन को इंटरेस्टिंग बनाना है। दोस्तों देखते हैं क्या इसकी प्राइसिंग होती है, कब तक हमें इंडिया में देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगले अगले बड़े हैं जो कि वन प्लस की तरफ से आ रही है। दोस्तों वन प्लस नॉट टू इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। अब Note 2 CE का भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, इसकी स्पेसिफिकेशन बाहर आएंगे, जैसे 65 वॉट चार्जिंग, ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ ही दोस्तों 4500 mAh बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग होगी और AMOLED डिस्प्ले वगैरह। और साथ ही दोस्तों डायमेंसिटी 900, मतलब इसकी प्राइसिंग कुछ 25-30 हज़ार के आसपास होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये लॉन्च होता है, बस यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इसकी प्राइसिंग कितनी होती है। सारे दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ने जो कि आ रही है ओप्पो की। दोस्तों ओप्पो ने आज अपने मतलब इनोवा डे चल रहे हैं उनके, 14-15 तारीख 2 दिन चलना था, आज इनोवा डे में उन्होंने अपने 2 प्रोडक्ट अनाउंस किए हैं। जो उन्होंने सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अनाउंस किया उन लोगों ने, वो है उनका एयर ग्लासेस, मतलब एक चश्मा लगा हुआ आप उसके अंदर, माइक्रो प्रोजेक्टर, बैटरी, माइक्रोफोन, मतलब वलाना वलाना सब कुछ चीज़ें होंगी उसके अंदर। आप उसे रास्ते में लगाओ, मोबाइल से कनेक्ट होगा, मोबाइल जेब में, आप चलो, कोई उस पर नोटिफिकेशन आया आपके फ़ोन में और आपके वो प्रोजेक्टर से आप गिलास पर आ जाएगा, तो आप चलते चलते उसे देख सकते हो और बाहर की सड़क भी दिखाई देगी, ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाई देगा। और नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप ऐसे ऐसे करना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो भाई अगर सड़क पर कोई ऐसा करता हुआ दिखे फ्यूचर में तो समझ लेना वो ओप्पो एयर ग्लासेस पहना हुआ है। दोस्तों आगे बढ़े अगली खबर की तरफ जो कि आईफोन की तरफ से आ रही है। दोस्तों आईफोन ऐसे ही इंडिया में काफ़ी जल्दी लॉन्च हो चुका है, ऐसे शायद मैंने शुरू में भी आपको बताया, लेकिन लॉन्च हो चुका नहीं है, लॉन्च होने वाला है काफ़ी जल्दी, शुरू में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बारे में बताऊँ, आईफोन ऐसे ही 2022 में आने वाला है दोस्तों, 5G फ़ोन होने वाला है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एंड्रॉयड यूज़र्स को। दोस्तों देखते हैं क्या खास होने वाला है इसके अंदर जो एंड्रॉयड यूज़र्स को अट्रैक्ट करें, देखते हैं, क्योंकि मैं भी शौक हूँ ये सुनने के बाद कि एंड्रॉयड यूज़र्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है वो। और साथ ही दोस्तों आगे आगे तरफ बढ़ने की है आईक्यू की तरफ। दोस्तों आईक्यू 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च होगी जनवरी फरवरी के आसपास, 8 सीरीज उन्होंने किल कर दी है। 9 सीरीज काफ़ी जल्दी लॉन्च होगी और जो CEO हैं नए आईक्यू के, उन वो वही हैं जो पुराने वीवो वाले थे, जो भी था वो उनको CEO बना दिया आईक्यू का। और आईक्यू 9 सीरीज की बैटरी स्पेसिफिकेशन दी गई है 4800 mAh की बैटरी, 120 वॉट की चार्जिंग, 10 बिट वाली AMOLED डिस्प्ले वगैरह आपको देखने मिलेगी, और Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलेगा, और 8 Gen 1 की ही
रिलेशन में एक खबर है जो थोड़ी बुरी है, तो उसमें पिछले साल आया था कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888। और मैं आपको अभी से अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मतलब पूरी वीडियो टेक मतलब स्मार्टफोन वाली वीडियो आने से पहले, सिर्फ एक फ़ोन को छोड़ के हमने कोई सा भी फ़ोन नहीं लिया है 888 वाला, क्योंकि किसी भी उस फ़ोन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। हमें वन प्लस को छोड़ना पड़ा, और कौन कौन से फ़ोन को छोड़ना पड़ा वो हम नहीं बताएंगे आपको, अवार्ड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, काफ़ी जल्दी आएगी। तो क्योंकि 888 ऐसा प्रोसेस है जो ऑप्टिमाइज नहीं है, और उसके अंदर हीटिंग इशू है, गर्मा गर्म रोटियाँ बनाता है वो फ़ोन के अंदर दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्नैपड्रैगन 8 जेन की, इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी हमें, लेकिन वो तो गर्मा गर्म रोटी बना रहा है 888, ये खोलती है रोटी बना रहा है, ये और भी ज़्यादा हीट कर रहा है। अभी चाइना में फ़ोन लॉन्च हुआ मोटरोला एज एक्स थर्टी, वो दोनों में 888 और 8 जेन वाले मतलब दोनों हीट कर रहे हैं, लेकिन 888 8 जेन में मुकाबले काफ़ी अच्छा है, लेकिन रोटी बना रहा है तो गर्म रोटी बना रहा है, ये समझ लो आप दोस्तों। पता नहीं कॉलकॉम को क्या हो गया है, हमने कॉलकॉम से ऐसा नहीं सोचा था यार, कॉलकॉम ऐसा भी करेगा, क्या हो गया भाई कॉलकॉम, तुम्हें इम्प्रूव करो। तो अब एक ही उम्मीद बचती हमारी, वो है डायमेंसिटी 9000, किसी फ़ोन में आने का इंतज़ार करते हैं, वरना फिर हमें 870 के साथ ही रहना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों अगले साल की तरफ बढ़ें, जो कि आज GT 2 Pro की तरफ से रियलमी के, जो कि 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, और 15-20 तारीख को लॉन्च होने वाला है चाइना में, हाँ शायद 20 तारीख को, तो उसके अंदर 8 जेन 1 होने वाला है, आपकी एमोलेड डिस्प्ले वगैरह, 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4500 mAh बैटरी, उसके अंदर हो सकता है 125 वाट की चार्जिंग देखने को मिले, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन GT 2 Pro के अंदर भी 8 जेन 1 है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पहले बहुत इंटरेस्टेड था मैं, कूद के इंटरेस्टेड था, लेकिन अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओप्पो फाइंड 9 में इंटरेस्ट था, 888 तब से पता चला उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब 888 8 जेन 1 जिस फोन में होगा भले ही कितना अच्छा क्यों ना, लेकिन मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगले वाली तरफ बढ़े, जो कि आ रही है इन्फिनिक्स ने कल अपने दो नए फोन लॉन्च कर दिए, इन्फिनिक्स नोट 11 एस, दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपनी प्राइसिंग के हिसाब से। नोट 11 जो कि 12,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, उसके बारे में हमने आज वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कमेंट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, और थंबनेल अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं। और साथ ही दोस्तों एक और खबर आ रही है, कोई अमेरिका के पायलट थे, वो एरोप्लेन के अंदर थे, तो उन्हें आसमान में कुछ लाइट्स दिखी ऐसे रो के अंदर, तीन उसके आगे बाल्टों में, तो अमेरिका वालों का कहना है कि वो एलियंस हैं, मतलब UFO थे वो एलियंस के, और एलियंस अर्थ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है ये उसके केबिन की लाइट की रिफ्लेक्शन थी उसके ग्लास के अंदर, और जिस तरीके से वो लाइट आगे बढ़ रही थी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो केबिन की लाइट की रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कुछ हो सकता है ड्रोन्स वगैरह हो, कुछ और चीज़ों जो लाइन में ऐसे चल रही हो। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। दोस्तों ये आज की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और आज की टेक न्यूज़ थोड़ी सी लेट है, मैं आपको अभी से कह दूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली टेक न्यूज़ में या फिर अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।